वह फुटबॉल खेलता है इस सेंटेंस की इंग्लिश जानेंगे आज की इस वीडियो में तो चलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस के अंत में खेलता है यानी सेंटेंस के अंत में यदि क्रिया के साथ ता है ती है ते हैं आता है इस तरह का सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और ये अपॉर्मेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऑफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर होता है पहले लिखेंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेंटेंस का है वह तो वह की इंग्लिश पहले लिखेंगे ही उसके बाद वर्ब भर्व इसमें खेलता है खेलना की इंग्लिश प्ले और प्ले में यश लगाएंगे प्लेस क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस का है फुटबॉल तो हम लिखेंगे प्लेस की बात फुटबॉल ही प्लेस फुटबॉल वह फुटबॉल खेलता है इस सेंटेंस की इंग्लिश ही प्लेस फुटबॉल यदि फुटबॉल की जगह कोई भी गेम हो जैसे कि वह हॉकी खेलता है प्लेच हाकि वह क्रिकेट खेलता है ही प्लेज क्रिकेट तो दोस्तों यदि यही सेंटेंस नेगेटिव में हो जैसे कि वह फुटबॉल नहीं खेलता है तो ये नेगेटिव है तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाते हैं फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं तो यहाँ पे डज रहेगा ही डज नॉट प्ले फ़ुटबॉल तो जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाता है तो उसके भर में यस या, या यस नहीं लगाते हैं इसलिए यहाँ पे प्ले में यस नहीं लगा है He does not play football. वह फुटबॉल नहीं खेलता है He does not play football. वह क्रिकेट नहीं खेलता है He does not play cricket. और यदि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जैसे कि क्या वह फुटबॉल खेलता है तो जब क्या से सेंटेंस स्टार्टिंग होता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी डच ही प्ले फुटबॉल क्या वह फुटबॉल खेलता है इस सेंटेंस की इंग्लिश है डच ही प्ले फुटबॉल तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और भी सेंटेंसेज का ट्रांसलेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ प्ले लिस्ट में आपको प्रेजेंट इन टेंस यानी कि इसी तरह का और भी सेंटेंस आपको मिल जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग